उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर सरस्वती शिशु एवं विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रमना पार्क बलरामपुर में भैया बहनों द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे राधा कृष्ण की भूमिका में नजर आए। बच्चों ने सभी को मनमोह लिया व श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संस्कृत कार्यक्रम किया गया तथा साथ ही शिशु भारती के पदाधिकारी भैया बहन को उनके पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बलरामपुर जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी एवं प्रतिनिधि श्याम मनोहर तिवारी तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व छात्र उपाध्यक्ष समाज सेवी गौ सेवक रविन्द्र गुप्ता अमलापुरी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा विभिन्न लीलाओं के माध्यम से जनमानस को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की सीख दी, जिसमें विशिष्ट अतिथि गौसेवक वीरेंद्र गुप्ता कमलापुरी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने बल और बुद्धि से बुराई पर विजय प्राप्त की व शिशु भारती के पदाधिकारियों को विद्यालय के अनुशासन एवं नेतृत्व क्षमता को विकसित करने पर बल दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राम तीर्थ यादव तथा प्रबंधक डॉक्टर सतीश सिंह ने सभी भैया बहनों को जन्माष्टमी की बधाई दी तथा शिशु भारती के पदाधिकारियों को दायित्व निर्वाहन करने के लिए बधाई दी। कार्यक्रम समापन के बाद अपने परिवार के पूर्व आचार्य गंगाराम गोस्वामी की धर्मपत्नी के निर्धन तथा भाजपा के वरिष्ठ एवं जनसंघ के पुराने कर्मठ नेता श्री जगदम्बा प्रसाद सोनकर एडवोकेट सड़क दुर्घटना में मौत पर विद्यालय परिवार में शोक संवेदना की गई। इससे सभी विद्यालय परिवार प्रबंधक समिति के बंधुओं ने शोक संवेदना व्यक्त की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर साधना श्रीवास्तव जी ने किया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।